अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखिए जी, बारिश खूब हुई है, रात तमाम बारिश हुई है। ये देखिए, अगर आपके प्लांट्स में भी ऐसा पानी ठहर रहा है तो ये फ़ौरन निकाल दीजिए आप, वरना आपके प्लांट सारे ख़राब हो जाएंगे। इस पानी को निकाल दीजिएगा, खाली कर दीजिएगा, जैसा मैंने कर दिया। शायद उसमें होल बंद हो गया है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, तीन तीन ऐसी कटिंग्स मैंने रख दी थी, देखिए लगाई भी नहीं थी और इसमें रूट्स पकड़ लिए इस पॉट में। ये देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने कटिंग रखी थी यहाँ पे, देख रहे हैं ये लग गई है। इसमें रूट्स इसने बना लिया, इसमें अच्छे से रूट्स उसने बनवा लिए, तो एक ही पॉट में तीन चार लग गए हैं। जब एक थी ना, एक की वजह से। ये देखिए, मेरे बच्चों ने बूटा डाला है, लगता है बूटे के दानों से बूटा लग जाता है, इसके प्लांट्स आ जाएंगे। तो क्योंकि पॉट्स खाली है, ये देखिए बारिश होने की वजह से ये गिर गया यहाँ से। रेड कलर के फ्लावर का प्लांट है ये, एक्सोरा है ये। ये देखिए लाल बर्षा, देखिए रखे रखे साइड में, ये अपने आप के ना हेल्दी हो गया है। ये मुझे कट करना है, ये पूरा हटाना है, क्योंकि फिर से ये सारे एक साइड मैंने डाल दिए थे। ये देखिए इमली का है जो मैंने सीड से लगाया, और कितना अच्छा सा चल रहा है। ये देखिए, कट करते जाती हूँ मैं और ये लीव्स आते रहते हैं। इसकी लीव्स का भी ना बनता है सालन, जो वो कौले कौले लीव्स आते हैं ना ऐसे। ये देखिए, दिख रहा है, ये ऐसे वाला का ना खाते हैं, उसको पत्तों को भी खाया जाता है, और इमली तो खाते ही है सुरजन। ये देखिए ऐसे बारीक बारीक कौले, एकदम न्यू न्यू लीव्स जो होते हैं ना, वो ये तो ना चंपा है। ये देखिए नींबू का है, कितना अच्छा सा हो रहा है। इसे मुझे कट कर देना है, नीचे ज़मीन में है, इसे मुझे सपोर्ट देके ना अच्छा से करना है। ये देखिए सीड्स शायद थे, कौन से सीड्स थे पता नहीं, कितने अच्छे से लग गए। ये देखिए रेंगीली भी है इस पॉट में, उधर तो सपोटे के है, नहीं नहीं सीताफुल के है शायद। ये देखिए सारे अच्छे से चल रहे हैं, सारे प्लांट से चल रहे हैं। बारिश में तो वैसे भी प्लांट सारे अच्छे हो जाते हैं। अब मैं सुबह हटाऊँगी, ये देखिए मध्य बाहर है, इसको मैं पूरा कट कर दूँगी ताकि इसमें न्यू स्टेम्स आए, और ये ऐसा बेल की जो तैयार हो गया ना, इसको मैं हटा दूँगी। ये देखिए इसको मैंने कट कर दिया था, तो इसमें न्यू लीव्स आ गए, और वैसे ही इस वाले प्लांट को मैं पूरा कट कर दूँगी। देख रहे हैं आप, पूरा डैमेज हो गया है इसमें, तो मैं अच्छा सा कट करके स्प्रे करूँगी। ये देखिए, ये पिंक वाला रेन लिली है, जिसे हटाऊंगी वहाँ तक पानी जा नहीं रहा है। ये मैंने बताया था ना, मटके में मैं कंपोस्ट बना रही हूँ, वो एक साइड में है। वो देखिए कितनी हेल्दी हो गई है बेल, तो सारे आज हटेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए इसमें लीव्स पूरे येलो हो गए हैं, पूरे ये निकालने पड़ेंगे। बारिश में ना आप ज़रूर ऐसे काम करते रहिए, फंगस नहीं आना। ये लीव्स वगैरह जो ऐसे हो जाते हैं ना, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, तोड़ के है ना हटा दीजिए, और उसी में मत डालिएगा, वरना पानी ना जब हम डालते हैं ना तो फंगस आ जाता है और आपके प्लांट्स। ये देखिए प्लांट्स जितने कट करना पड़ेगा मुझे, इसको रिपोर्ट भी करूँगी मैं। ये देखिए इसकी भी क्या हालत हो गई है, क्योंकि ये पूरे एक साइड में डाल दिए थे ना, साइड में टेढ़े बिंदे होने की वजह से प्रॉपरली उसे रखा नहीं गया, तो उस वजह से ये देखिए इसमें भी 3-4 प्लांट्स एक जगह हो गए हैं। वैसे मुझे अच्छा लगता है 3-4 प्लांट्स एक जगह लगाना। ये देखिए मनी प्लांट तो बहुत अच्छा सा ग्रो हो गया है मेरे पास, एक छोटी सी कटिंग में लाकर मेरे फ्रेंड के यहाँ से लगाई थी, और यार देखिए कितना प्यारा हो गया, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। इसको भी मैं कट करूँगी और एक एक पॉट में अच्छे से ना स्टिक लगा के, और एक एक पॉट में ऐसे ही बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा बुशी सा हो गया, बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो मनी प्लांट तो सबके गार्डन में होना ही चाहिए, बल्कि घर में होना चाहिए, रिप्लेस हो ना हो लगा लीजिए। ये देखिए सदाबहार की मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये वाइट वाला शायद लग रहा है मुझे, कलियां लग रही है। ये देखें, एक ही छोटी सी डाली लाके लगाई थी मैं और लग गया, और उसके साथ क्रोटन भी है। तो एक एक दो दो तीन तीन जिस जिस पॉट्स में है ना प्लांट, सारे मैं हटा लूँगी। ये देखिए पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि इसको पानी मैंने दिया है अच्छा सा, चेक करना पड़ेगा इस मटके में होल है पानी जाने का या नहीं है, जिस वजह से इसके पत्तियाँ पीले हो रहे हैं। अगर बारिश के दिन आते हैं ना, तो आप भी पूरे प्लांट्स को क्लीन कर लीजिएगा, जो डेड लीव्स है हटा दीजिएगा, होल्स चेक करिए अपने पॉट्स में, और जिसमें मट्टी कम है उसमें ज़रा डाल दीजिएगा, और जिसमें बहुत ज़्यादा है उसमें कम कर दीजिएगा।
क्लीन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये देखिए इसके ऊपर पता नहीं है क्यों ऐसे हो गए, फ्लावरिंग प्लांट है, इसको मैं कट कर दूंगी सारा सा, फिर से ये न्यू आ जाएगा। रखे बेकार है ये, क्योंकि ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही डेड हो रहा है और इसमें बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। ये देखिए इसको रिपोर्ट करना है मुझे, पानी डाल डाल के मैं थक गई हूँ। लेकिन ये अच्छे से जड़े पकड़ लिया है अंदर, ये प्लांट तो ये छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं इसको नहीं निकाल पा रही हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे कलर्स के इसके लीव्स होते हैं। स्नेक प्लांट देखिए कितने सारे हो गए ना एक ही पॉट में, एक छोटी सी लीव ला के मैं यहाँ लगाई थी। ये देखिए और कितने सारे इसके निकल आए हैं प्लांट्स, उसको भी मुझे चेंज करना है, धीरे धीरे करूँगी मैं। ये देखिए मॉस्टिक लगाने का यही फ़ायदा होता है, प्लांट ना उसका सपोर्ट लेके बहुत हेल्दी हो जाता है। मैं यहाँ से कट कर दूँगी इसको, कट करके इससे एक न्यू प्लांट ले लूँगी और ये आसानी से कटिंग से लगाई हुई, कटिंग से ही मैंने लगाया था और ये लग भी जाता है। ये इंडोर और आउटडोर प्लांट है, आप इसको चाहे तो इंडोर रख सकते हैं या आउटडोर रख सकते हैं, दोनों जगह ये अच्छे से चलता है। ये देखिए इसमें खजूर के थे शायद गुटलियाँ, ये देखिए इसमें खजूर के भी ना आ रहे हैं प्लांट्स और उसको भी मैं निकालूंगी। मेरे पास वो ना उतनी ही बाकी है वाइन, तो मुझे उसे सेव करना होगा, निकालना होगा और अच्छे से रखना होगा। ये देखिए बर्ड्स आ जाते हैं और आवाज़ें जब हम करते हैं ना बोलने लगते हैं तो वो भी बोल आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैंने जहाज ऐसे बनाए थे ना यहीं लगा दिया, देख रहे हैं। ये देखिए मैंने प्लांट मैंने जो बन लगाया था ना एक वायर बन के मैंने उसको सपोर्ट दे दिया था। ये मैं DIY बनाई हूँ, बताऊँगी आपको उसको पेंट करना मुझे, क्योंकि सारे पॉट्स हटना तो वो निकलेगा तब मैं आपको बता पाऊँगी। ये देखिए जामुन का है, इमली का है और जो ऐसे झाड़ अपने आप उगाते हैं ना उसे निकाल लेना चाहिए हमें। ये देखिए और पानी नहीं ठहरना चाहिए, अगर पानी आपके पॉट्स में ठहरा तो चाहे कौन सा भी प्लांट हो और अगर उसमें होल नहीं है आपके पॉट्स में तो कौन सा भी प्लांट है ख़राब होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये देखिए तुरई की लग रही है मुझे बेल, देखेंगे देखिए कैसा, इसको तो पानी भी नहीं मिल रहा, देख रहे हैं आप खाली सी मट्टी पॉट में रखी हुई थी। और देखिए सीड्स होते हैं ना, तो देखिए इसमें भी देखिए हालांकि कोने में पड़ा हुआ पॉट है मट्टी का, मैं रखती हूँ मट्टी फेंकती हूँ फिर उसको यूज़ भी करती हूँ। खाली पॉट्स है जिसमें मुझे लगाना है, वन बाई वन लगाती जाऊँगी और जिसमें होल्स ना हो ना पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिए और होल्स बना लीजिए। होल्स होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट में, किसी भी पॉट में है, सो अगर होल ना हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उस प्लांट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कटिंग्स लगाई थी मैं सारे अच्छे से चल रहा है, मुझे ऐसे भी निकालने पड़ेंगे। इसमें बहुत सारे बेबीज और यहाँ कटिंग्स लगी हुई है जो इसमें लगेंगी। और ये देखिए ये DIY बनाई थी मैं, उसमें उसका प्लांट अच्छा सा जा रहा है। ये देखिए मैंने परसों ये डाला था इसका वीडियो और ये देखिए कितने अच्छे से फल्दी हो गए, अब इसमें सारे लीव्स आ जाएंगे। पर आप नहीं होते हैं कटिंग्स आप लगाते रहिए, ये बहुत अच्छा टाइम होता है कटिंग लगाने का, प्लांट्स को आप डिवाइड करने का। एरोवेरा एरोवेरा तो बहुत हो गया, ये देखिए ये भी है। वन बाई वन मैं पहले पॉट्स का अरेंजमेंट करूँगी फिर प्लांट्स निकालूंगी, एक में तीन तीन हो गए चार चार हो गए तो सारे निकाल के मैं उसमें ना दूसरे में लगाती जाऊँगी थोड़ी थोड़ी। अगर आपको AYZ गार्डन के वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत लीव है, देखिए क्या कलर है, देखिए माशाल्लाह से एक ही प्लांट में 3 कलर्स है, डार्क लाइट और लाइट, देख रहे हैं आप है ना 3 कलर आ गए हैं माशाल्लाह से और लीव्स आ ही रहे हैं। तो इसलिए मुझे ना ज़्यादा ये प्लांट को कट करना नहीं होता है, रहने देती हूँ मैं, लेकिन अब वो झुक जाएगा तो ना बारिश के दिनों में अक्सर क्या होता है ना प्लांट के वेट से भी गिर जाते हैं पॉट्स अगर छोटे हो। और एक प्लास्टिक के से मामूली से डब्बे में ही मैंने लगाया हुआ है, देखिए इधर प्लांट्स। और ये देखिए कंपोस्ट में पता नहीं कौन सा प्लांट उग गया है, ये आपको पता होगा तो नाम बताइएगा कमेंट्स में। ये देखिए इतना कोसा की है, ये मुझे वाइन जैसी लग रही है तो मैंने रख दिया उसमें, क्योंकि उसमें वैसे भी बाद में मैं निकालूंगी ऊपर से झाड़ हटा के मैं उसको यूज़ करूंगी। अभी तो मुझे फर्टिलाइज़र डालना नहीं है, आप भी मत डालिए, बारिशों के दिनों में बारिश का ही पानी बहुत बेहतर होता है आपके प्लांट्स के लिए। जितना भी स्प्रे करने की कोशिश करिए और शायद साइड में जो प्लांट्स रखे हैं आप उसमें ना बारिश का पानी कलेक्ट करके डाल दिया करिए। ये देखिए जी
इसको मैं पूरा कट कर दूंगी, फिर वॉश करके जो डालियाँ छह लगा लूँगी और ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो इसमें न्यू आ जाएंगे और ये अब स्टार्ट करेगा ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं। लेकिन देखिए कितना ख़राब हो गया, पूरा निकालना पड़ेगा वरना इसकी बीमारी ना दूसरे प्लांट्स को लग जाएगी, देख रहे हैं आप। इसलिए यही मुझे ना डर लगता है जब प्लांट्स मैं हटाती हूँ एक साइड में, तो ये डर लगता है। लेकिन वो भी ज़रूरी था, इसलिए सारे प्लांट्स एक्साइट कर दी थी। ये देखिए कितने अच्छे लीव्स लग रहे हैं, तो अब ये प्लांट्स हटेंगे वन बाय वन, थोड़े से पॉट्स हटाया जाएगा और कटिंग होगी। नीट करके जाऊँगी तो वैसे ही आप लोगों को क्लिप डालती जाऊँगी। ज़रूर देखिएगा जी, फुल वॉच कर दीजिएगा मेरे वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, इतना सपोर्ट आप लोग करते हैं, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करिएगा, बताइएगा मुझे। ये देखिए मोतिया बाहर का, इस वक्त तो इसमें फ्लावरिंग होती नहीं है, ये ऐसे ही आराम करता है। एडेनियम और मोतिया बाहर ऐसे ही होता है, गर्मा में आते हैं इनमें फ्लावर्स, अब ये नहीं होता है, इनके लीव्स वगैरह सूख जाते हैं और धीरे धीरे हम इनको साइड में या फिर देखते रहना पड़े। देखिए सारे लीव्स वगैरह सब निकाल देंगे, पूरा कट कर दूंगी मैं, ताकि बारिश में इसमें फिर से अच्छे से स्टेम्स न्यू आ जाए और ये फिर से हेल्दी हो जाए और फिर हमें नेक्स्ट ईयर आने वाले वक्त में ये हमें अच्छे से फ्लावर्स दे। ये देखिए इसमें शायद नींबू की बीज गिरी थी, नींबू का है, लेकिन मैं निकाल लूँगी। मेरे पास ऑलरेडी नींबू के बहुत सारे हो गए प्लांट्स। ये देखिए वो जो दिख रहा है ना, इसमें भी नींबू का ही है। आप देखिए ये भी बहुत हेल्दी नींबू का है। ये देखिए ऑरेंज का भी है मेरे पास, जामुन का है, इमली का है, तो अब उतना नहीं है, निकाल दूंगी मैं ये बहुत सारे। और नींबू का प्लांट एक बार आप लगाएं ना तो बहुत मज़बूत उसकी जड़ें होती हैं। ये देखिए जी, ये सब कट करूंगी मैं, नीट करूंगी, रिपोर्ट करूंगी, जो जो करती जाऊँगी अपने गार्डन में आप लोगों को वैसे ही वीडियोज़ डालती जाऊँगी। तो देख लीजिएगा वीडियोज़ मेरे, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत, फुल वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये देखिए है, एक ही कलर कहते हैं हम प्लांट्स के ग्रीन, लेकिन उसमें भी कैसे कैसे अल्लाह ताला ने, देखिए इसका बॉर्डर देखिए ब्राउन ब्राउन आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए साइड से ब्राउन ब्राउन लीव्स आ रहे हैं इसके, ये ऐसे ही रहता है। इसमें भी फ्लावर्स होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इसमें फ्लावरिंग आते हैं पर्पल कलर के और फिर चले जाते हैं। ये देखिए जी कितना प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है मुझे आज ये प्लांट। इसके ऊपर भी बहुत जल्द बनाऊंगी, अलग सा वीडियो बनाऊंगी, जब कटिंग करूंगी ना अलग से, एक एक कट करते जाऊंगी, क्लीन करते जाऊंगी, तो वीडियोज़ बनाते जाऊंगी। तो फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा मेरे सारे वीडियोज़, देखते रहिएगा जब भी आप फ्री हो, देख लीजिएगा मेरे ओल्ड वीडियोस भी वॉच कर लीजिएगा, छोटे या बड़े जो भी आप देखते हैं। तो चलिए जी, यही था आज के वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही मैं कटिंग करूँगी ना इसकी, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी और फिर डालूँगी। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्लांट के टॉपिक के साथ। तो फिर यही था जी आज के वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।